हम शिव मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं और यह लुधियाना के एक प्रसिद्ध नगरी में शिव मंदिर का बहुत ही पुराना इतिहास है। माना जाता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती देवा के उपरांत यहाँ पे रुके थे। जो कि मुक्ति धाम प्राचीन शिव मंदिर है। शिव एवं पार्वती विवाह के उपरांत इसी स्थान पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर कुछ साल बिताए थे। भगवान शंकर और माता पार्वती की शक्तियाँ यहाँ पर समाधि थी। यहाँ पर उन्होंने माता ने शिव जी से पूछा था तो शिव जी ने उन्हें बोला था कि यहाँ जो सच्चे मन से आए गए मैं उनके सारे ही जन्म जन्मातों के पाप को नष्ट कर दूंगा और उन्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इसी मुक्ति धाम के नाम से उन्हें जाना जाता है। यहाँ स्वयं तीन मंदिर में निवास करूंगा और लोगों का कल्याण करूंगा। यहाँ मैं शीश के देवताओं के रूप में शिवलिंग मेरा रहेगा और दूसरा उनका मंदिर नेत्र के रूप में होगा और तीसरा मुख के रूप में होगा। मेरे शीश मंदिर के पास एक वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश यहाँ पर निवास करेंगे। यहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती का दरबार रहेगा। यहाँ पर भक्तों की परेशानी तुरंत ही स्वीकार किया जाएगा। अभी हम मंदिर परिसर में पहुँच गए हैं और यहाँ आपको देख सकते हैं कि मंदिर का नजारा बहुत ही शानदार और लुभावना है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें लगाई गई हैं। यहाँ पर आप महादेव के दर्शन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ महादेव शिवलिंग जो कि मुख्य मंदिर में है और यहाँ जो भी वृक्ष है जो कि महादेव ने बताया था कि इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश निवास करेंगे और भक्तों का कल्याण करेंगे।